Hello dear students, in today's video we will find out the SCF of 123, 128, 189 and 34. Okay, तो करना क्या है कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है. सबसे पहले हम जैसे 123 है, ठीक है, 128 है एंड 189 है एंड लास्ट वन 34 है. सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है. वही फैक्टर्स होंगे, एफ का मतलब फैक्टर्स है, ठीक है. तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है. इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा कॉमन, जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन होगा वही होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. समझ में आया ना, जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन होगा फैक्टर्स में से वही इसका, इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. तो स्टार्ट करते हैं थ्री से. इधर थ्री फोर जो ट्वेल्व, थ्री वन और 41 एक प्राइम नंबर है, 41 सॉरी वन टाइम में चला जाएगा. ओके, टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू फोर ज़ा टू थ्री ज़ा टू टू ज़ा टू वन टू सिक्स, ओके टू एट टू फोर टू टू ज़ा टू वन ज़ा, ठीक है. अब ये जाएगा थ्री से जाएगा, थ्री सिक्स एटीन, थ्री वन ज़ा थ्री, अगेन सिक्सटी वन, सॉरी मैंने गलत किया ना यहाँ पे, थ्री सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है, ठीक है. थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सेवन वन सेवन, वन ज़ा सेवन, ओके. टू से जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, अभी इस टू से नहीं जा पाएगा ना, सेवनटीन मैंने गलत लिखा, तो सेवनटीन से ही जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ठीक है. अब देखिए मैंने क्या जैसे बोला था हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, मतलब थ्री इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी, मतलब सभी में आना चाहिए, तभी तो हाईएस्ट कॉमन हुआ ना, है ना. अब जैसे इसमें थ्री आया, इसमें कहीं थ्री नहीं आया, तो यहीं पे आप छोड़ दो, ये हाईएस्ट कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी में आना कंपलसरी है, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. और 41 इधर नहीं आया तो फिर आगे क्या ही आएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं. जब देखिए मुझे दो यहाँ पे भी, मतलब इन सभी में थ्री नहीं आ रहा है, किसी में पूरी तरह से 41 नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा फिर, इस तरह का रिजल्ट होगा आपका इज इक्वल टू वन. जब कुछ भी कॉमन ना मिले ना, तो फाइनल आंसर वन होगा क्योंकि सभी में वन तो आ ही रहा है ऑब्वियसली, है ना. देखिए ये वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, वन, सिंपल, ठीक है. तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.